देश लूट जाएगा ये आसार नजर आते हैं, अब हुकूमत में सब गद्दार नजर आते हैं। ये चंद लाइनें सोशल मीडिया पर बिहार के सियासी घटनाक्रम पर लिखी जा रही हैं, क्योंकि बिहार में जो कुछ भी हुआ उसके बाद से लगातार लोगों का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है। कहीं बिहार सीएम की हाथी निकाली जा रही है तो कहीं उनको खुला चैलेंज दिया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, युवाओं के बीच लोकप्रिय तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार की रातों की नींदें उड़ा कर रख दी है। तेजस्वी यादव ने खुला चैलेंज दिया है कि खेला तो अब होकर रहेगा, जिसके बाद जेडीयू पार्टी के विधायक से लेकर नीतीश कुमार पूरी टेंशन में आ गए हैं। लालू यादव के बेटे जिस तरह से सरल और आक्रामक अंदाज में अपनी बातों को खुले तौर पर रख रहे हैं, उसके बाद से दिल्ली तक सियासी तपिश बढ़ गई है। इतना ही नहीं दोस्तों, तेजस्वी यादव ने ये बात खुले लफ्जों में कही है कि लिख कर ले लीजिए, खेला होकर रहेगा। एक बार आप भी सुनिए खुद तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा है और कैसे वो खुले तौर पर अपना अंदाज और अपने तेवर दिखा रहे हैं। आप लिख के ले लीजिए, जनता दल यूनाइटेड जो पार्टी है 2024 में ही खत्म हो जाएगी, ये निश्चित रूप से लिख लीजिए। और अभी तो खेल शुरू हुआ है, खेल बाकी है। सुना आपने तेजस्वी यादव ने कैसे खुलेआम नीतीश कुमार को चैलेंज दे दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक आपको आसान भाषा में समझा देते हैं। तेजस्वी ने कहा कि जो थके हुए मुख्यमंत्री थे उनसे इतना काम करवाया। उन्होंने ये भी कहा कि नीतीश कुमार क्या कह रहे हैं मैं उस पर व्यक्तिगत कमेंट नहीं करना चाहता हूँ। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा, ना हम में गुस्सा है और ना नाराजगी है, हमने बेहद संयम से गठबंधन धर्म का पालन किया है, उसी हिसाब से आगे भी जनता के बीच अपनी बात रखेंगे। लेकिन एक बात कहूंगा कि अभी खेल शुरू हुआ है, अभी खेल बाकी है, मैं जो कहता हूं वो करता हूं, आप लिख कर ले लीजिए, जनता दल यूनाइटेड पार्टी 2024 में ही खत्म हो जाएगी। ये सारी बातें तेजस्वी ने कही, ये निश्चित रूप से लिख कर रख लीजिए, मेरा स्पष्ट रूप से मानना है कि जनता हमारे साथ है। मैं बीजेपी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने जेडीयू को अपने साथ ले लिया। एक और दोस्तों आपको बता दें, लालू यादव और तेजस्वी यादव मिलकर सियासी तपिश को लगातार बढ़ाए हुए हैं, तो वहीं दूसरी ओर अब लोगों के गुस्से ने नीतीश की रातों की नींद को उड़ा दिया है। जी हाँ दोस्तों, दरअसल नीतीश कुमार के शपथ लेते हुए सोशल मीडिया से लेकर तमाम जगहों पर नीतीश का विरोध शुरू हो गया है। एक जगह तो दोस्तों उनका पूरा पुतला बनाकर अर्थी निकाली गई है। जी हाँ दोस्तों, ये सच्चाई है जिसकी तस्वीरें आप भी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगर आपने वीडियो अभी तक नहीं देखा तो उस वीडियो को भी हम आपको पहले दिखा देते हैं। आप पहले नजर डालिए इस वीडियो पर, जिसके अंदर आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि जनता कैसी गुस्साई हुई है नीतीश पर और उनकी अर्थी निकालकर उनका श्राद्ध कर रही है। देखिए उस वीडियो को भी। नौकरी तरह बर्दाश्त न हो लो चचा, महंगाई बढ़ावे लगी चचा कहाँ गेला हो, युवा के रोजगार दिलावे ला चचा कहाँ गेला हो, ई का कहला हो चचा, मोदी से डरा गेला हो चचा। देखा आपने, ये तस्वीरें नीतीश कुमार की हैं, जिन्होंने प्रदेश की जनता के साथ बड़ा धोखा किया है, तो लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। एक रिपोर्ट के मुताबिक आपको बता दें, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के निर्वाचन क्षेत्र राघोपुर में आरजेडी कार्यकर्ताओं ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अर्थी जुलूस निकालकर अंतिम संस्कार किया है, जिसकी तस्वीरें हमने भी आपको दिखाई। नीतीश कुमार ने सरकार से अपने पद का इस्तीफा राज्यपाल को सौंप दिया है। महागठबंधन सरकार से इस्तीफा देने के बाद तेजस्वी यादव के निर्वाचन क्षेत्र राघोपुर में राजद कार्यकर्ताओं में काफी आक्रोश दिखा। वैशाली प्रदेश महासचिव निर्दोष यादव ने तेजस्वी यादव के क्षेत्र राघोपुर के कंचनपुर गांव में आर्थिक जुलूस जो है निकाला। इसी दौरान आपको बता दें, महिलाओं ने भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुतले के पास बैठकर विलाप करते हुए जो है नारे लगाए, वो भी हमने आपको दिखाया। प्रदेश महासचिव निर्दोष यादव ने बताया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहते थे कि हम समाजवादी हैं, लेकिन वो समाजवादी नहीं रहे, अब वे आरएसएस के गोद में बैठ गए हैं। अब जरा सोशल मीडिया का जो माहौल है उस पर भी नजर डाल लेते हैं कि क्या कुछ सोशल मीडिया पर नजारा चल रहा है। एक और जहां नीतीश के प्रति लोगों में गुस्सा है, तो वहीं आपको बता दें, लालू यादव और तेजस्वी यादव की तारीफ जमकर सोशल मीडिया पर हो रही है। एक पत्रकार ने लालू यादव की तारीफ करते हुए ट्वीट किया है और साफ तौर पर लिखा है कि बिहार का राजनीतिक इतिहास किसी को अदब और सम्मान से याद करेगा तो वो है लालू प्रसाद यादव। लालू विचारधारा पर जिस तरह अडिग रहे हैं, मतलब
खड़े रहे हैं वो आजकल दुर्लभ है। आज ईडी जो है लालू से पूछताछ करेगी भ्रष्टाचार पर फैसला तो खैर जांच के बाद आएगा, लेकिन मौजूदा स्थितियों को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि ये पूछताछ राजनीतिक रूप से प्रेरित है। लालू ने मुनव्वर के उस शेर को अब तक गलत साबित कर दिया है। यहां मजबूत से मजबूत लोहा टूट जाता है, कई झूठ इकट्ठे हों तो सच टूट जाता है। यानी लोग अब कह रहे हैं कि लालू को कितना ही डराने की ईडी सीबीआई जांच और यहां तक कि तमाम इल्जाम लगाने की विपक्ष कोशिश कर ले, लेकिन लालू वो लोहा है जो कभी अब नहीं टूटेगा और बल्कि मजबूत से दिखाई देगा, मजबूती से दिखाई देगा। एक और अन्य यूजर ने लिखा है कि बिहार में नीतीश और भाजपा का असली दर्द ये तस्वीर है। तेजस्वी यादव ने जिस तरह 17 महीने में अपने विभागों और आरजेडी कोटे के मंत्रालयों से लगभग 4 लाख सरकारी नौकरियां बांटी, उसने इन मौके परस्तों की नींद उड़ा दी। बिहार का तो छोड़िए, यूपी का युवा भीड़ लगाए बिहार में नौकरी की तलाश में पहुंचने लगा था। इस बार नीतीश कुमार ने अपनी विश्वसनीयता हमेशा के लिए खो दी है। आने वाले वक्त में जेडीयू अपने वजूद की लड़ाई लड़ेगी, देख लीजिएगा। ये सारी बातें अब कही जा रही हैं कि कहीं ना कहीं अब नीतीश कुमार ने बार बार पलटी मार के और जनता के साथ विश्वासघात करके अपनी विश्वसनीयता जो है खो दी है। एक और अन्य यूजर ने नीतीश पर तंज कसा है और लिखा है कि आगामी बिहार के विधानसभा चुनावों में नीतीश कुमार की पार्टी खंडित हो जाएगी, यानी खत्म हो जाएगी। बिहार की जनता नीतीश कुमार द्वारा पलटी मारी जाने पर सदमे में है और जिंदा का श्राद्ध कर रही है। कुछ जगहों पर आरती निकाली जा रही है। नीतीश ने खुद कहा था मरना कबूल, उनके साथ जाना कबूल नहीं, बूढ़ा मर गया। यानी नीतीश जिस तरीके से पलटी मारी है उस तरीके से अब लोग भी कमेंट कर रहे हैं। एक और अन्य यूजर ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि जितना रोजगार तेजस्वी यादव गठबंधन ने दिया उतना बीजेपी की केंद्र सरकार में 5 साल में नहीं मिला है। अब बिहारी लोग दोबारा दूसरे राज्यों में रोजगार देखने निकल लो या तो सरकार बदल दो 2025 में, क्योंकि जेडीयू ने हमेशा जनता को ठगा है। यानी हमेशा जेडीयू यानी नीतीश कुमार जनता के साथ बड़ा धोखा करते आए हैं, जनता को ठगते आए हैं, ये अब जनता धीरे धीरे समझने लगी है और प्रतिक्रिया दे रही है। एक और अन्य यूजर ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि 1 साल में 4.5 लाख रिकॉर्ड रोजगार तेजस्वी यादव को बिहार ही नहीं पूरे भारत में लोकप्रिय कर दिया है। ये बात गोदी मीडिया और बीजेपी से पची नहीं है, यानी हजम नहीं हुई। एक और अन्य यूजर ने ट्वीट करते हुए नीतीश कुमार को धोखेबाज कह दिया है। नीतीश कुमार बहुत धोखेबाज, पलटूराम गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले, दो मुंह साफ हैं, सर्कुलर नहीं, समाजवादी नहीं, संघ विचारधारा का नाग है। इस नाग को बिहार की जनता सबक सिखाएगी, हमें उम्मीद है। जय हिंद, नेताजी अमर रहे। तो इस तरीके की गुस्साई चीजें अब लोगों में दिख रही हैं। नीतीश कुमार के प्रति जो लोगों का गुस्सा है वो हैरान कर देने वाला है। अब आगे क्या कुछ देखने को मिलता है ये दोस्तों देखने वाली बात होगी, क्योंकि सभी की निगाहें जो हैं इस वक्त बिहार के समीकरण और बिहार की राजनीति पर टिकी हुई है। लेकिन जिस तरीके से फजीहत नीतीश कुमार की हो रही है, जिस तरीके से थूथू तमाम नीतीश कुमार की और उनकी पार्टी के लोगों की हो रही है, वो हमने आपको सोशल मीडिया के प्रति दोस्तों बताने की कोशिश की कि किस तरीका का आक्रोश हर ओर दिखाई दे रहा है। और यहां तक कि तेजस्वी यादव ने जो खुला चैलेंज और बड़ा चैलेंज दे दिया है जेडीयू को खुले तौर पर कि अभी तो खेल शुरू हुआ है, खेला पूरा बाकी है, तो इस तरीके से कहीं ना कहीं नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहीं ना कहीं टेंशन में नजर आ रही है और कहीं ना कहीं असमंजस में है कि अब आगे क्या होने वाला है। क्योंकि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को तो अपने फैसले से, अपने पलटूराम फैसले से कहीं ना कहीं नुकसान जरूर होगा, ये तय है। क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने अपना जनता के साथ धोखा किया है, धोखा नहीं बहुत बड़ा धोखा किया है, उनके विश्वास के साथ खेला है, तो जनता में जो है गुस्सा साफ तौर पर दिख रहा है कि लोग यहां तक कि श्राद्ध कर रहे हैं, आरती निकाल रहे हैं और विरोध भी कर रहे हैं कि बार बार इन पर भरोसा कर लिया जाता है लेकिन अब भरोसा नहीं किया जाएगा, क्योंकि यहां बात अब पूरी तरीके से बिहार की जनता पर आ चुकी है। क्योंकि बिहार की जनता ने हर बार प्यार दिया लेकिन हर बार जो धोखा नीतीश कुमार ने किया है अब की बार जनता इस धोखे को माफ नहीं करेगी। फिलहाल जो तेजस्वी का चैलेंज भी वो भी हमने आपको बताया और जिस तरीके से सोशल मीडिया पर नजारा चल रहा है, प्रतिक्रियाएं चल रही हैं नीतीश कुमार को लेकर, वो भी हमने आपको बताने की कोशिश की कि क्या कुछ अपडेट निकल कर सामने आ रहा है। फिलहाल दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आप नीतीश कुमार के लिए
क्या कहना चाहते हैं, आपका स्वागत है कमेंट्स में, कमेंट के जरिए जरूर बताएं। और आप तेजस्वी यादव के लिए क्या राय रखना चाहते हैं वो भी जरूर बताइएगा अपनी प्रतिक्रिया की, आप किस तरीके से, किस नजरिए से तेजस्वी यादव को देखते हैं। फिलहाल शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। और हमारे चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है PRV को, तो फटाफट से सब्सक्राइब कर ले ताकि हर निष्पक्ष खबर आपको वक्त पर मिलती रहे। शुक्रिया।